சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்பு கட்டுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு 50,000 ரூபாய். கமண்டியா கட்பந்தன் கா ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने उस वक्त देशव्यापी विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए सनातन धर्म को खत्म करने की मांग कर दी। करुणानिधि की राजनीतिक विरासत की तीसरी पीढ़ी ने सनातन पर जो कहा वो सभी जानते हैं। हिंदी पट्टी यानी उत्तर भारत के राज्यों में ये बयान जंगल की आग की तरह फैल गई। बीजेपी आईटी सेल के चीफ के ट्वीट ने इसे और हवा दे दी। शायद उदयनिधि ने ये नहीं सोचा होगा कि उनका बयान इतनी सुर्खियां बटोरेगा। उनका बयान इंडिया गठबंधन को भी आलोचना की जद मिला देगा। कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने डीएमके को बयान में संयम रखने को कहा है। कांग्रेस के तेवर सख्त थे, लेकिन सवाल उठता है कि इतने विवाद के बाद भी उदयनिधि ने अपने बयान पर अड़े रहना बेहतर क्यों समझा? इसके पीछे की वजह क्या है? आज इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं। नमस्ते, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ विचारधारा पर आधारित रही है और कोई भी राजनीतिक दल द्रविड़ दर्शन के सवाल से मुंह नहीं मोड़ सकता। कह लीजिए कि द्रविड़ राजनीति को संबोधित किए बिना राज्य में जीवित ही नहीं रहा जा सकता है। द्रविड़ दर्शन सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इस विचारधारा में जाति को नहीं माना जाता है, आत्मसम्मान और तर्क के सिद्धांत को सही माना जाता है। तमिलनाडु में राज्य की सभी पार्टियां चुनाव में इसे भुनाती रही हैं। पेरियार ने अपने सामाजिक न्याय अभियान के चरम पर ब्राह्मणों को निशाना बनाकर जातिवाद पर हमला तेज किया था। परियार के तल्ख भाषण ने रंग दिखाया और वो पिछड़े वर्ग को एकजुट करने में सक्षम रहे। नतीजा ये रहा कि 1967 के बाद से कोई ना कोई द्रविड़ दल ही सत्ता में रहा। हालांकि बाद में ये विरोध एक जाति से आगे बढ़ गया और सनातन के विरोध में बदल गया। राजनीतिक विचारक बताते हैं कि इस शब्द के इस्तेमाल के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ब्राह्मणवाद शब्द के इस्तेमाल से केवल एक समुदाय ही निशाने पर आ जाता है और दूसरा ये है कि दलितों को ये लगा कि वो सिर्फ एक जाति से नहीं बल्कि अगाड़ी जाति से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये वो वर्ग है जो सनातन का समर्थक है। सनातन शब्द को जल्द ही द्रमुक सहित बड़े राजनीतिक वर्ग से समर्थन मिला। हुआ ये कि इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि उत्तर भारत में सनातन बिल्कुल अलग रूप थे। जाहिर है दक्षिण से उठा ये विवाद उत्तर भारत में राजनीतिक रंग ले चुका है। इसको खाद पानी बीजेपी देकर सींच भी रही है। उसे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के वक्त वो वोट के रूप में फसल की कटाई करेगी। कह लीजिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है। वहीं द्रविड़ सनातन का विरोध करके दक्षिण में दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।